ये तो है पागल, और इनको देखने वाले और पागल हैं, वो बैठे हुए देख रहे हैं वहां से, ठीक है ना। तो दुनिया पागल ही है यार। भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है ये, आप थोड़ी सी विशेषताएं बताएं यहाँ की, कब बना है मंदिर और खासियत बताएं। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका। और भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे आप पहले की तरह। और भाई 30 डे 30 व्लॉग चैलेंज का ये चौथा दिन है और हम सोकर जगे हैं। कल रात को, आज रात को जैसे जो गई है सुबह हुई है, हमने अब एडिटिंग वगैरह की अपनी, तो भाई 5 बजे तक एडिटिंग ख़त्म हुई। 5 बजे इसकी पूरी क्रिया हुई जितनी भी करनी थी व्लॉग की, और वो टाइमिंग सेट करने के बाद में फिर मैं सो गया। ठीक है ना। और भाई 8 बज रहे हैं, मैं जग गया। और भाई 4 डे, आज 22 तारीख है और ये हमारा चैलेंज का चौथा दिन है। मुझे खुशी है अभी तक तो, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भाई ब्लॉग देखें भाई, ठीक है ना। अभी तो मैं शुरू करता हूँ, पहले सफाई वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी गंदगी सी हो रही है यहाँ पर, और फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अपन आ चुके हैं अभी, क्योंकि अपना जो भी काम करना था वो कर चुका हूँ मैं, सफाई वगैरह सारी चीज कर चुका हूँ। और भाई अभी मुझे कहीं जाना था बाहर, इधर ही थोड़ा सा घूम के आना था, किसी ने बुलाया है किसी काम के लिए, देखता हूँ क्या काम बताता है वो, वहाँ जाना था। और यार कुछ नहीं, देखेंगे कुछ तो दिखाऊंगा यार, ठीक है ना। और मज़ा आ रहा है भाई व्लॉग करने में, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। और भाई यार अब मैं खाता हूँ फटाफट से खाना, ठीक है, खाने में दिखाता हूँ क्या बनाया। तो गाइस आज भिंडी की सब्जी और रोटी है, और ये जो आप बराबर में देख रहे हैं एक हरी मिर्च, और वही है ये जो आदत है यार, क्यों यार हरी मिर्च अच्छी लगती है खाने में, थोड़ा सा गला साफ हो जाता है, ठीक है। आप सबको भी खानी चाहिए, इससे गला साफ होता है और बस नुकसानदेह नहीं है कुछ भी, ठीक है, इसलिए खानी चाहिए। गाइस खाना खा लो और अपन मिलते हैं खाना खाने के बाद। और पापा का नहीं। हेलो गाइस, अपन आ चुके हैं। मैं पापा के साथ आया था कहीं पे, तो वहाँ पे ना थोड़ा काम देखने आया था। तो यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं एक मंदिर में हूँ, ठीक है। ये भैया यहाँ पर रहते हैं, मेरा नाम चेतन है। भैया वाल्मीकि जी का मंदिर है ये, आप थोड़ी सी विशेषताएं बताएं यहाँ की, कब बना है मंदिर और कुछ खासियत बताएं। स्वनिर्भर बोले वाल्मीकि भगवान की जय। मेरा नाम चेतन है और इस कॉलोनी में, इस मंदिर में, कॉलोनी में तो मेरे को हो गए 20-25 साल। ये मंदिर कोई 10-15 साल से मंदिर है। मंदिर से अभी ये 20 अक्टूबर को प्रकट दिवस आएगा, मंदिर में सत्संग होगा, प्रसाद बटेगा। इसी मंदिर में नहीं, विदेश में, देश में, पूरी दुनिया में भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस मनाते हैं लोग धूमधाम से। जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है रोड पे, देखने लायक होता है, लोगों की आस्था दिखती है। यहाँ पे भी होगा, आप सब आमंत्रित हैं, जितने भी भाई, जितने भी भक्त लोग, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पे सब आमंत्रित हैं। ये महल कॉलोनी ग्राम बंथला लोनी फाटक के पास ये महल कॉलोनी है। बाहर आश्रम में भी प्रकट दिवस का प्रसाद भंडारा होता है, सत्संग होता है, यहाँ पे भी प्रसाद बटता है, हवन होता है, सत्संग होता है।
आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं आप सब आमंत्रित हैं, आइए और भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस साथ में मनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनका अरदास करते हैं, सबको देते हैं, वो भगवानों को भी देते हैं, हमें भी देंगे, हमारे ऊपर भी थोड़ी बहुत कृपा तो कर ही देंगे। तो भाई कैसा लगा आपको? ठीक है ना, आपने देखा मंदिर, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है ये। और भाई मंदिरों में बिल्कुल पॉजिटिव वाइब रहती है, कहीं भी चले जाओ इसलिए सुख मिलता है मंदिर में बैठने से, ठीक है ना, दिमाग का संतुलन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो भाई आपको भी बैठना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि मैं आपको बैठ बैठ के दिखा रहा हूँ, आपको बैठना चाहिए जैसे मैंने दिखाया था आपको। तो वहाँ पर मंदिरों में जाते हैं हम, तो आपको भी जाना चाहिए और अच्छी बातें सीखनी चाहिए। बाकी हम घर जाने के बाद मिलते हैं या कहीं रास्ते में मिलते हैं, तब तक के लिए लोग इन्जॉय करें। पीछे का रास्ता है ये, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ यार घर पे, और मिलते हैं आपसे घर पे, ठीक है ना। तब तक आप यार इन्जॉय करें और मज़े लें। भाई आपको एक कड़वा सच दिखाता हूँ मैं और बताता हूँ क्या है ना यार, एक छूतियापंती की हद कितनी होती है, ठीक है ना। ये भाई मछली पकड़ रहे हैं और ये तो है ही पागल, और इनको देखने वाले और पागल हैं, वो बैठे हुए देख रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो दुनिया पागल ही है यार। तो भाई अपन तो यार जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम इनके जैसे पागल और चूतिया नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको भी कहता हूँ कि इनके जैसे तो भाई बिल्कुल भी पागल और चूतिया बनना मत ना, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं तमाशा देखने वाले, ठीक है ना, बिना फालतू की तमाशा देख रहे हैं बैठ के, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। अरे अपना टाइम पास करना है तो ऐसा कर लो, क्यों ऐसे कर रहे हो बिना फालतू के, ठीक है ना। और कहीं लड़ाई दंगा वगैरह कुछ भी होता है ना, मारपिटाई होती है, तो भाई तुम भी मत खड़े होया करो। ये भाई फाटक है, और आपको यार मंदिर कैसा लगा बताना हमें। ये देख लो, ये हमारे यहाँ का एरिया है, ठीक है ना, फाटक है, मेन फाटक बनता है। भाई हम आ चुके हैं अपने घर पे, और पापा का पता नहीं कितनी देर में आएंगे, मुझे लगता है वो दोपहर के बाद ही आएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं घर पे हूँ, और मैंने उन भैया के पास फ़ोन किया था तो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, तो मेरा अभी जाना होगा नहीं, इसलिए मैं कल वल को या परसों को जाऊँगा ट्राईपोर्ट लेने के लिए, तो मैं ले आऊँगा उसको, ठीक है। और भाई जैसे कि आपने आज के व्लॉग में देखा, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर,
और मैंने आपको कुछ दिखाया था कि कैसे होकर तमाशा देख रहे थे बस खाली। तो यार आपके पास इतना टाइम होता है क्या? कहाँ से आता है इतना टाइम आपके पास में कि आप बिना फालतू की बातों में ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना? जिसका आपसे कहते हैं कभी कभी है ना, हम है ना खुद ही अपनी ज़िंदगी पे है ना पांव रख देते हैं गलती से, और ज़िंदगी है ना तभी मुँह के बल गिर जाती है। तो इसलिए है ना उस ज़िंदगी को बचाए रखना आपके हाथों में है, ठीक है ना? तो भाई आपको क्या मिला इस ब्लॉग से सीखने के लिए या इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए, हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर बार एंटरटेनमेंट ही हो, ठीक है? कुछ बार ऐसी भी होती है जो इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड करती है, तो वो बातें भी शेयर करनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना? क्योंकि सभी इंसान के पास में सोचने की शक्ति है, सब सोच सकते हैं अपने भले और बुरे के बारे में। तो भाई आप कभी भी ऐसा काम ना करें, हमेशा अपने भले के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, ठीक है? आप कुछ करते हैं तो उसको करने से पहले सोच लें कि हमारे पीछे और है बहुत, ठीक है? तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और बराबर में जो घंटा वाला बटन है ना उसे तो ज़रूर दबा देना, क्योंकि उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलती है हमारी वीडियो की सबसे पहले, ठीक है ना? तो भाई ये था हमारा 30 day 30 vlog challenge का day 4, आपको कैसा लगा बताना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक? कंट्रोल उदय है ना। तो हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे कल।